नमस्ते, मैं गिरीश रामचंदे और फर्स्ट ईयर आईटी के क्विज में आप सभी का स्वागत है। तो क्विज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ना स्क्रीनशॉट दे रहे हैं क्वेश्चंस के और उसके ऑप्शन के। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आइदर कमेंट में टाइप करो या फिर आपके पास में एक नोटबुक होगी तो वहां पे आप आंसर्स लिखो और फिर जाके जब वीडियो स्टार्ट होगा, टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं उसका आंसर तो आपको देने वाला हूँ। तो आपको बाद में ना खुद का एक मतलब एग्जाम टाइप हो जाएगा, खुद आप इवैल्यूएट करो खुद को कि आपने जो आंसर्स लिखे और मैंने जो बाद में बताया वो सेम आ रही है, तो आपके एग्जाम की यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जो फर्स्ट ईयर आरएसी के आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड। ओके, तो कुछ फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मतलब ऑयली कुछ भी हो गया, उसमें जब आग लगती है तो उस आग को बुझाने के लिए हमें क्या यूज करना है। ओके, तो वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑयल दिया हुआ है, तो इसमें ज्यादा इफेक्टिवली जो एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना आपको बुझाता है, दैट इज CO2। ओके, तो अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो जब भी जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होती है उसकी आग लगती है तो आप बाकी चीजों से, अगर ऑयल का तो सवाल ही नहीं है, आप एयर से भी, एयर जब उसमें ब्लो करोगे तो और आग बढ़ेगी, ऑयल से भी आग बढ़ेगी, पानी से भी वो आग बुझती नहीं है। ओके, तो वहां पे CO2 इज द बेस्ट ऑप्शन। आप CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर होगा, उससे जब आग बुझाने जाओगे तो CO2 क्या कर देता है, उस आग को चारों ओर से कवर करता है। ओके, जिसके वजह से आग का और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट बंद हो जाता है। ओके, बेसिकली आग जो जलती है तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है, फ्यूल होना जरूरी है और टेम्परेचर होना जरूरी है। ओके, तो तीनों चीजें जब होती है तब आग जलती है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके ऊपर ब्लो करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कवर कर देता है, जैसे ब्लैंकेट होता है ना, ब्लैंकेट डालते आग के ऊपर तो हवा का और आग का कॉन्टैक्ट नहीं होता, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पूरे आग को कवर कर लेता है, जिससे हवा का जो ऑक्सीजन है वो आग को नहीं मिलता और आग बुझ जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द मटेरियल कंपोजिशन फॉर टिन मैन सोल्डर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डर वायर यूज होती है। ओके, PCB को ज्वाइंट करने के लिए, अलग अलग कंपोनेंट को ज्वाइंट करने के लिए होते हैं, उसी को हम टिन मैन सोल्डर कहते हैं। तो उसमें कंपोजिशन क्या होता है उन्होंने कहा है, तो कंपोजिशन टिन एंड लेड होता है। ओके, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, टिन एंड लेड, और 50-50% इन्होंने दिया हुआ है। आपके बुक में 50-50% दिया तो आपको उसी के ऊपर मार्क करना है, लेकिन हो सकता है 40-60% अलग अलग ऑप्शन उसमें होते हैं, लेकिन आईटीए के जो स्टूडेंट है आरएससी के उनके सिलेबस में उन्होंने 50-50% दिया है, तो आपको देखना है, अगर ऑप्शन 50-50% है तो उसको मार्क करना आपको। ओके, अगर ये ऑप्शन नहीं है और फिर जाके दूसरा ऑप्शन आता है तो उसके बाद अलग है, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, विच मेटल इज अलॉय विद जिंक टू मेक ब्रास, मतलब ब्रास पीतल बनाना है, तो पीतल बनाने के लिए जिंक के साथ में कौन सा मेटल यूज किया जाता है, तो इसके साथ में कॉपर यूज होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दैट इज कॉपर, तो कॉपर और जिंक को जब मिलाते हैं तो उससे ब्रास यानी पीतल बनता है। और चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चीजल गिवन इन फिगर, यहाँ पे एक ड्रॉइंग दी है, एक फिगर दी है और इसमें चीजल दी है, तो उस चीजल का नाम उन्होंने पूछा है क्या होता है। तो अलग अलग टाइप की चीजल होती है, फ्लैट हो गई, क्रॉस कट हो गई, हाफ राउंड हो गई, डायमंड पॉइंट। तो ए जो है ना, इसका अगर आप पॉइंट देखोगे यहाँ पे तो डायमंड जैसे है। ओके, ये क्या हो गया, शेप डायमंड शेप है, और इसके लिए इस चीजल को डायमंड पॉइंट चीजल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक मैलेट्स। मैलेट्स मतलब एक टाइप का हैमर होता है, जो डिफरेंट मेटल का हो सकता है। ओके, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से जो दिया उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है वुडन कास्ट एन, फिर वुडन रबर, रबर एंड ब्रास, वुडन ब्रास उन्होंने दिए हैं, लेकिन आपके यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज वुडन रबर। ओके, वुडन रबर, तो आपको जो एग्जाम में आएगा तो वुडन रबर पे ही आपको मार्क करना होता है। बेसिकली मैलेट्स क्या होते हैं, एक हैमर होता है जो ज़्यादा करके शीट मेटल में या सॉफ्ट जॉब में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई जॉब है शीट मेटल का, एल्युमिनियम का मैं कुछ बना रहा हूँ, अब उसके ऊपर मुझे हैमरिंग करना है। अगर मैं कास्ट आयरन का या लोहन का जो भी हैमर होता है, नॉर्मल हैमर जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके अगर हैमरिंग करता हूँ तो हैमर के जो मार्क्स है वो शीट मेटल पे आ सकते हैं। तो ऐसे वक्त में हम लोग रबर या फिर ऊड जो है उसका मैलेट यूज करते हैं। तो ऊड का जो मैलेट हम उससे हैमरिंग करेंगे, स्ट्राइकिंग करेंगे, तो वो जो मार्किंग है वो मार्किंग
शीट मेटल के ऊपर आती नहीं है और इसके लिए मैलेट्स यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल हो सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, वुडन रबर उन्होंने दिया है तो उसी के ऊपर आपको मार्क करना है। वॉट इज ए एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल यूज फॉर जिंक एंड अलॉय, जिंक एंड अलॉय के लिए जो ड्रिल यूज करते हैं उस ड्रिल का एंगल क्या होता है। तो ज़्यादा करके कॉमन जो ड्रिलिंग होता है, ट्विस्ट ड्रिल होती है, उसका एंगल जो फिक्स है स्टैंडर्ड 118 डिग्रीज। तो जिंक एंड अलॉय भी ऑप्शन हो सकता है या फिर एमएस ऑप्शन हो सकता है, माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील और ये सारे मेटल के लिए हम लोग कॉमन जो एंगल होता है दैट इज 118 डिग्रीज। व्हाट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और उसमें आग लग गई तो उसको बुझाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो हैलॉन गैस होती है, फायर एक्सटिंग्विशर अलग से बनते हैं तो आपको वहाँ पे हैलॉन गैस की पर मार्क करना है। देन व्हाट इज द एंगल ऑफ वी नॉच गिवन इन फिगर, शीट मेटल का एक ड्रॉइंग दिया है यहाँ पे, एक पत्थरा है समझो, उसको ऐसे बेंड करना है यहाँ पे, ओके। तो ये जो नॉच है उस नॉच का एंगल उन्होंने पूछा है। नॉर्मली जो नॉचेस होते हैं शीट मेटल में, नॉर्मली मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं, तो आप यहाँ पे 90 डिग्रीज पे मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज फॉर बेंडिंग सीमिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ शीट मेटल। शीट मेटल मतलब नॉर्मल पत्रा जीआई का हो सकता है या कोई भी मेटल का हो सकता है, तो उसको फॉर्म मतलब उसको बेंड करना है, उसको शेप देना है। फॉर्मिंग मतलब शेप देना, सीमिंग मतलब उसको फोल्ड करना ऐसे, या बेंडिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल में उसको मोड़ देना। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो ऑप्शन बेंच वाइज, हैंड वाइज, स्टेक्स एंड शेयर दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन है स्टेक्स। तो स्टेक ना ऐसे शेप में, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप में स्टेक मिलते हैं। एक कॉमन स्टेक में आपको निकाल के दिखाता हूँ, ऐसे होते हैं और उसको नीचे ना ऐसे हैंडल टाइप होता है कुछ ऐसे, ओके। तो जो भी शीट मेटल है उसके ऊपर ऐसे बिछाया जाता है और फिर मैलेट जो होता है, जैसे वुडन मैलेट आपके यहाँ पे दिया है, रबर मैलेट ऑप्शन दिया है, तो पत्रे को अगर बेंड करना है तो ऐसे बेंड कर सकते हैं। कुछ स्टेक जो है कोनिकल शेप में हो सकते हैं ऐसे, ओके, ऐसे कोनिकल शेप में होते हैं, ओके। तो इसके ऊपर रख के हम ऐसा कोनिकल शेप उसको दे सकते हैं। कुछ स्क्वायर शेप में भी होते हैं, यहाँ पे बताता हूँ, ऐसे भी होंगे, तो अलग अलग शेप में होते हैं और उसको नीचे ऐसा स्टैंड होता है, हर इसको नीचे ऐसा स्टैंड होता है, कोनिकल भी हो गया तो उसको भी नीचे स्टैंड होगा। तो ये जो है स्टैक, इस स्टैक को वाइस के ऊपर लगाते हैं, बेंच वाइस जो नॉर्मली होते हैं उसमें से पकड़ के रखते हैं और फिर जो भी शेप देना है, बेंड वगैरह करना है, सीमिंग करना है, तो स्टैक के ऊपर रख के हम उसको पीट पीट के शेप दे सकते हैं, तो इसको स्टैक कहते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 माइक्रोन इन मिलीमीटर, 1 माइक्रोन जो है कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो सही ऑप्शन है 0.001 मिलीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।